लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, इन रिजल्ट से जो हमने सुने उससे चार लॉज निकल के आए जो कभी गलत नहीं होते फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के। पहला, फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मेटल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन विच इज अबव थ्रेशोल्ड, तो अगर आपकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ऊपर है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। हमने किया ग्राफ, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। नेक्स्ट है, किसी भी फोटो सेंसिटिव मेटल के लिए देयर एग्जिस्ट अ सर्टन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो इन्होंने ये भी बताया कि अगर फ्रीक्वेंसी कट ऑफ से नीचे है तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। थर्ड लॉ है, थ्रेशोल्ड के ऊपर अगर आपकी फ्रीक्वेंसी है तो उस केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल या इक्विवेलेंट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एक ही बात है, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल ईवी नॉट से आता है और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है, दोनों का मतलब एक ही है। ये किस पे डिपेंडेंट है? फ्रीक्वेंसी भी डिपेंडेंट है, इंटेंसिटी का इनसे कोई लेना देना नहीं है। और लास्ट लॉ है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, जैसी फोटोन गिरता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन उसी वक्त चल पड़ता है, स्टार्ट हो जाता है, मेटल की सरफेस से बाहर आता है, टाइम लैग ना के बराबर है, लेस देन 10^-9 सेकेंड है। तो ये इसके कुछ लॉस हैं।